नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम रूल नंबर 5 सीखेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड दोनों ब्रैकेट में दो दो टर्म्स ही होंगे। ओके, तो देखो क्या करेंगे। तो आगे भी ये मेथड आ गई, आपको मालूम है। सपोज ऐसा हो x प्लस 8 x माइनस 8, तो इसमें क्या था, दोनों ब्रैकेट सेम थे, सिर्फ बीच वाली साइन डिफरेंट थी। तो हमने क्या किया, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 64। ओके, अब दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो विद साइन, तो क्या करना था। तो दोनों ब्रैकेट सेम है इसीलिए हम एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, और इसका एक्सपेंशन हमें मालूम है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 8 स्क्वायर 64। ओके, बट हियर बोथ टर्म्स इन टू ब्रैकेट्स आर डिफरेंट। हाँ, सपोज पहला टर्म इक्वल भी है, एक टर्म इक्वल होने से कुछ नहीं होता, दोनों टर्म अलग अलग है, इसीलिए इसमें आगे के प्रोसेस करने की दो डिफरेंट मेथड है, दो मेथड से कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको एक ही सिखाऊंगा। तो जो इजीएस्ट मेथड है वो अभी हम सीखेंगे। तो देखो अब क्या करना है, हाँ प्लस या माइनस हो कुछ भी चलेगा, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस ऐसा भी हो सकता है। तो पहला जो ब्रैकेट है वो एक बार लिख दो, वही ब्रैकेट दूसरी बार लिख दो, मीन्स पहला ब्रैकेट टू टाइम्स लिखना है। हाँ, सिर्फ पहला टू टाइम्स लिखो ऐसा जरूरी नहीं है, दूसरा भी टू टाइम्स लिख सकते हो। दूसरे ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट ब्रैकेट के आगे, सेकंड टर्म है वो सेकंड ब्रैकेट के आगे। ओके, अब एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 8 प्लस 8x, मीन्स इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई, अब इसका भी दोनों के साथ माइनस 10x, इसका इसके साथ माइनस 18। ओके, अब ये तो लाइक टर्म्स है, अगर लाइक टर्म्स हो तो ये दोनों के बीच एडिशन या सब्स्ट्रैक्शन हो सके तो करना है, नहीं हो सके तो नहीं करना है। तो एक्स एक्स लाइक टर्म्स, साइन डिफरेंट है इसलिए सब्स्ट्रैक्शन होगा, 10x - 8x - 2x, साइन ऑफ बिगर टर्म -2x - 8। ओके, ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, थ्री एक्स प्लस 4 3x - 5। बस वैसे चलो इसमें मैं सेकंड ब्रैकेट टू टाइम्स लिखता हूं, 3x - 5 3x - 5। पहला जो टर्म है वो फर्स्ट ब्रैकेट के आगे, दूसरा है वो साइन के साथ सेकंड ब्रैकेट के आगे। अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 3x - 3x, 3 3 9, x - x x2, इसका इसके साथ 3 5 - -15x, इसका इसके साथ 4 3 + 12x, इसका इसके साथ ± 4 5 = 20। अब लास्ट 9x2, ये दोनों में सब्सट्रैक्शन होगा, फिर से माइनस है ये प्लस है, तो 15 - 12 3x, साइन ऑफ बिगर -20। ओके, तो ये दो सम हुए। अब एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हम सीखेंगे दो ब्रैकेट की वैल्यू निकालना, वो देखो क्या होता है। नाइन फाइव इंटू 9 6 बराबर। अब देखो 95 एंड 96, तो 95 मीन्स 90 + 5 और 90 + 6 भी ले सकते हैं, एंड इसमें 100 - 5 100 - 4 भी ले सकते हैं,
बट 100 वाला टर्म हमारा इजी रहेगा 90 से, बाकी कोई भी करो आंसर सेम ही आएगा। तो देखो 95 मीन्स 100 माइनस 5 इंटू 96 मीन्स 100 माइनस 4, ये फर्स्ट ब्रैकेट टू टाइम्स में, सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म यहां पर, सेकंड यहां, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ, 100 इंटू 100 10,000, 100 इंटू 5 माइनस 500, इसका इसके साथ, बाद में इसका इसके साथ, 100 इंटू 4 माइनस 400 माइनस माइनस प्लस 5 4 20, ओके। अब ये दोनों प्लस है इसलिए एडिशन होगा, 10,020 माइनस 900, चलो ये सब्सट्रैक्शन करना भी सिखाता हूं, 10,020 माइनस 900, यहां पर जीरो, यहां 2 बचा, 100 माइनस 9 91 मीन्स 9120, दिस इज योर आंसर, बराबर। तो यहां पर हुआ रूल नंबर 5 कंप्लीट हो गया।